अब अगस्त का टाइम था और एंडिकेट .E बिल्कुल करीब था जिसकी वजह से मैं लम्स के दो दिन मिस कर गया फिर मैं जब तीसरे दिन गया तो वहाँ पता चला किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक ग्रुप बनाया बच्चों का उन्होंने मिलकर डिस्कशन करके प्रेजेंटेशन देनी है मैं मिला कौन से बच्चे भी मेरे ग्रुप में उन्होंने कहा ये है ये है ये कहा अच्छा ठीक है यार ग्रुप बना हुआ हमारा उन्होंने कहा यार आप ना बारह बजे के बाद खोके के सामने आ जाना उधर बैठ के हम डिस्कस करेंगे वहाँ बैठ के बेंचेज़ में अब मेरे साथ बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन जो उधर हुई वो मैं बैठा हुआ था दो लड़कियाँ थी दो लड़के थे और तीसरा मैं था पाँच लोगों का ग्रुप था सारे लोग एक प्रेजेंटेशन थी किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे क्या क्या क्या, क्या करना है मैं भी फुल अपनी कोल्हापुरी जुती पहन के एड ऑन करने की कोशिश कर रहा था अब आराम से बैठ के ग्रुप डिस्कशन हो रही है मेरा मुंह इधर था एकदम इधर से एक लड़की ने मेरा नाम लेके मेरे से एक बात पूछी टोटली अनएक्सपेक्टेड किया टोटली ऐसा नहीं हुआ कभी पहले मैं इधर बैठा बैठू एकदम उसने एक बात पूछी एकदम मैंने उधर मुँह किया और उसने बात भी इंग्लिश में पूछी अपना इतना माइंड उस वक्त शार्प नहीं था कि एक बात पूछी जाए वो भी अनएक्सपेक्टेडली पूछी जाए और वो भी एक लड़की पूछे और वो भी आगे से इंग्लिश में पूछे इतना कुछ एकदम प्रोसेस नहीं हो सकता था इस छोटे दिमाग में अभी मैंने इधर ही देखा मेरे तो जहन में ये प्रोसेस नहीं होता कि अब इधर से इधर देखना इधर से इधर जब देख लिया अब उसने मेरे से बात पूछ ली हुई थी फिर मैंने आगे से कहा सॉरी uh, उसने कहा नहीं समझ लगी दोबारा दिल में पत्थर लग के कहा कम अगे

यार मुझे सच में नहीं समझ लगी अब सारे खामोश हो गए ठीक है वो कह रहे यार एक लड़की इस अली से एक बात पूछ रही है और साले को समझ नहीं आ रही यार, यार मैं दिल कर रहा था उधर ही कब्र खोद के अंदर घुस जाओ यार मैं मैं कह कह रहा रहा था था कि जिंदगी के नशीब फराज में अक्सर ऐसे लम्हा आते हैं ये एफ एस सी के इस पैराग्राफ की कसम मिस्टर चिप्स और कैथरी ब्रिजेस की ब्राउन आइज की कसम यार समझ जाओ वो क्या बोल रही है समझ जाओ वो क्या बोल रही है फिर दोबारा उसने चौथी दफा पूछा यार मैंने कहा सॉरी मुझे नहीं समझ आ रही थी फिर उसे उर्दू में पूछा कहती आप तीन बजे के बाद फ्री हो <laughs> ने, ने, मुझे फिर मेरा चला मैंने कहा मैं, no, <coughs> नहीं आज ते अंदरों इंग्लिश ही निकलनी इंग्लिश ही निकलनी हो ग्रुप से मैं उठा हूं। मैंने सारों को किया बाय आगे गया हूँ लम्स का गेट क्रॉस किया सामने मेरा ड्राइवर खड़ा था इस तरफ देखा है तो दो बच्चे लम्स से साइकिल चलाते हुए बाए जा रहे थे लम्स ना साइकिल भी देता था सबको चलाने के लिए मैंने ऐसे क्या क्या बात है बैठा हूँ आराम से गाड़ी में सीधा पहुँचो अलहमद उधर जाके जब लक्कड़ की कुर्सी के ऊपर बैठा होना फिर जाके सांस में सांस से कि यार ये है मेरा जोर फिर मैंने लम्स छोड़ दी वो दिन है और आज का दिन है मेरे से किसी ने भी पूछा ना कि विल यू बी फ्री आफ्टर थ्री पी मैंने उसको नो ही कहा तीन बजे के बाद अब मैं कभी नहीं फ्री तीन बजे के बाद अब मैं